मॉर्निंग गाइज, कैसे हो? मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हो ट्रेडिशन ब्लॉग्स। अभी सुबह के 8 बजे है और हम हैं अपने गांव में, देख सकते हो। प्रतीक लोग को देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? लोग वहां पोखरा पर क्या कर रहा है? कुछ नहीं, चलो उधर से हटो, सब बदमाशी कर रहा है। तू लोग वहां पर क्या कर रहा है? तू लोग चलो, जहां रहेगा ना यही करेगा, केवल बदमाशी, केवल बदमाशी कर लो। देख सकते हो पापा आराम फरमा रहे हैं अपने बनाए हुए आसन पे, और ये आम का पेड़ देख सकते हो। और यहाँ बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, देख सकते हो। खुमल्ला आगे पढ़ो, वही काम देगा, है ना? और रुद्र तो ठीक है, पढ़ने में अच्छा है। और ये हैं भगवान जी, यानी सत्येंद्र कुमार सिंह, है ना? प्रतीक को यहाँ से हटाया, अब वहां चला गया अपना ग्रुपिंग में। ये बच्चे लोग के साथ जो है अब रोड पर मटर गश्ती करेगा, देख सकते हो आप। और ये अमरीश है, फुआ का लड़का, फूफा का लड़का, देख सकते हो आप। और ये चाची जा रही हैं गया, अमरीश के साथ गया जा रही हैं। अमरीश गया में रहता है, जेल प्रेस के पास इसका घर है, तो देख सकते हो आप। और ये रामानंदा, क्या हाल है? बलराम भैया, भाई में सबसे बड़े अभी हैं। और ये बच्चे लोग देख सकते हो, सारे मटर गश्ती करते हुए अब फिर कहाँ चला गया? देखो चापाकल पर पानी पीने का स्टाइल, बहुत बदमाशी करता है, बहुत बदमाश है। और ये हमारे दरवाजे का गुलाब का फूल, देख सकते हो। ये उल्हुल का फूल, आवे तुलसी का पौधा, देख सकते हो। अब इधर शम्मी का पेड़ लगाया गया है। कल जो हर्ष के साथ घटना घटा, अभी भी आंखों को सामने उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। इतना नेचर का और स्वभाव का अच्छा लड़का था, जिसका मैं क्या कहूँ। हम लोग कल शाम को ही अपने गांव आ गए थे, दाह संस्कार करीब 5 बजे के लमसम में हो चुका था, इसलिए अब वहां पर रुकने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए हम लोग कल 5 बजे के लमसम में वहां से चल चुके थे और शाम को हम लोग घर पहुंच गए थे। सो गाइज, फाइनली हम पहुंच गए हैं प्रमोद जी के ऑफिस। आइए आइए, स्कूल का ऑफिस है, हिमालय पब्लिक स्कूल का। क्या हाल है गुरु जी? ठीक है, अच्छे हैं, एकदम ठीक है। सुने आपका ससुराल के ठोक, हाँ, कुछ दुखद घटना जो है से घट गया, और बहुत ही दुखद घटना, क्या कहा जा सकता है इस पर।
हम सवेरे ब्लॉग देखे ना तब हमको पता चला आपका ब्लॉग तो बहुत लोग देखते हैं, हमको घर में तो सब लोग देखते हैं तो पता चला तुझे। नहीं, इस तरह का घटना भगवान किसी को ना दे। सही बात। लाइट कट गई गुरु जी? हाँ, गर्मी लगती है बहुत ज्यादा। और बताइए, रूम में तो और लगती है गर्मी, है ना। और बताइए, गांव का हाल चाल कैसा है? सब बढ़िया है ना? हाँ, सब गंभीर से ठीक है, चल रहा है। हमारे हालत खराब हो गया, कोरोना काल में स्कूल बंद रह गया, है ना। हाँ, और जे जे तनी मनी गढ़ल घास था वो सब खा गए कोरोना काल में। अब स्कूल भी खुला है तो बहुत कम बच्चे आ रहे हैं कहीं भी स्कूल में, सब स्कूल के ही हाल है। ऐसे स्कूल हम अपना देव में भी एक ब्रांच ले गए हैं इस बार। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसका नाम वहाँ भी हिमालय पब्लिक स्कूल ही है, वहाँ भी अपना ब्रांच ले गए हैं। एक नंबर। आज यहाँ रह गए, ज्यादातर वहीं रहते हैं। एक नंबर। आज आपको आना था, हम फोन किए कि ना न्यूज के लिए, तो आप तो कहे कि ये नहीं है, तो हमको बुलाए तो हम वहाँ जाना कैंसिल कर दिए, रुक गए। अच्छा अच्छा, वही अच्छा बात है। स्कूल का विकास हो रहा है, पहले एक हुआ, फिर दो हुआ, फिर तीन हो रहा है, और क्या चाहिए। तो बात है, बहुत बढ़िया बात है। तीन वन में हो गया ना, तो गया वाला बंद हो गया। अच्छा, अब दुए, अब जो दुए है, चलिए दो है कम से कम, अग्रसर तो है ना। हाँ, अक्सर है, अग्रसर तो है। बंकू आ गया ना? नहीं, कहा आ रहा है। हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है। खुश रहो, खुश रहो बाबू, खुश रहो, खुश रहो। बंकू से पूछ लीजिए। और बंकू, क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई ठीक है? कहाँ अभी पढ़ रहे हो? यही, अपने स्कूल में। हाँ। अच्छी बात है। और ध्यान देके पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कुछ करो, कुछ बनो। पूछे ना, पिक्चर में काम किया है? कौन पिक्चर? अच्छा, हाँ, सुने कि बंकू जो है से पिक्चर में भी काम किया है। क्या काम था, मिला था पिक्चर में बाबू? नाम क्या था? हीरो के बचपन का रोल था। अच्छा, हीरो का बचपन का। साथिया। अच्छी बात है। साथिया अभी रिलीज हुआ है? अभी तो नहीं हुआ, अभी कोरोना काल में रुक गया। अच्छा, कब आना है, कुछ पता है इसके बारे में? अभी तो नहीं पता है। लगभग 6 महीना और टाइम है। 6 महीना टाइम लगेगा। डबिंग वगैरह शुरू हो गया है। अच्छा, डबिंग शुरू हो गया उसका। डबिंग वगैरह शुरू हो गया है। वो कोरोना काल में कुछ एक्चुअल में शूटिंग रुक गया था, तो कोरोना काल में तो बिल्कुल शूटिंग रुक गया। हाँ भाई, तो प्रशासन की तरफ से सब चीज के भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, और शूटिंग होगा तो भीड़ तो इकट्ठा हो गई। हो गया काम, है ना। डबिंग वगैरह चल रहा है। अच्छा अच्छा। और उसमें कलाकार इधर के भी लोग हैं। हाँ, इसमें रणधीर हम देख रहे हैं। हाँ, हमको पता है, इसमें खलनायक रोल किए हैं। खलनायक और बढ़िया बढ़िया है जी, रोल तो इतना जोरदार करते हैं ना। बहुत बढ़िया जैसे देखे हैं, हम तो ऐसे रोल वगैरह नहीं देखे हैं, लेकिन रणधीर जी का पोस्टर देखे हैं, उसमें जो फोटो वगैरह जो आया है ना, बड़ा जो है से फोटो से ही। तो बंकू उसमें अचानक रोल किया, पहले दूसरे का रोल मिला था इसको, छोटा रोल। अच्छा, बोलिए जी, आपको कैसे रोल मिल गया? शुरू में छोटा रोल मिला था। इधर आ जाइए थोड़ा, इधर से बोलिए, अच्छा आएगा। हाँ, बैठ जाओ। शुरू में छोटा रोल मिला था। हाँ, हाँ। लेकिन फिर मुझे देखते हुए कि अच्छा एक्टिंग कर रहा है। हाँ। फिर बड़ा रोल मिल गया दूसरा का। चलो, एक नंबर हुआ। आखिर जो है तुम्हारे योग्यता को देखते हुए, योग्यता के हिसाब से दिया गया फिर। हाँ, ये है ना, ये बड़ी बात है। वो जो हीरो का जो मेन रोल कर रहा था बच्चा का, वो अच्छा नहीं कर पा रहा था। अच्छा। और ये एकदम तुरंत कर दिया, है ना, बिना बताए हुए। तो डायरेक्टर थे वो, ये देखिए भूल रहे हैं, अभय पांडे। अभय पांडे, तो वहाँ आपको उनका मकान दिखे ना, भूल गए, बनारस के हैं वो, है ना। तो कहे कि लड़का कौन है, सिर करेगा? तो हम बोलते हैं कि करे तो मेरा ही लड़का है। बढ़िया बात है। और कुछ का डायलॉग बोल दीजिए, सुशीलमा याद है, काफी दिन तो हो गया। बोल दो, बढ़िया बात। नहीं याद है, थोड़ा बड़ा कुछ खाना वाला, खाला वगैरह कुछ था ना? नहीं, कुछ चाचा के लिए कुछ लेके आओ, पानी में पिलाइएगा ना। बंकू आ गया नाश्ता लेकर। लीजिए, तीज का प्रसाद है ना बाबू? तीज का प्रसाद है, इसको ग्रहण हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और बढ़िया है ना सब? सब ठीक है। तो ठीक है। सो गाइस, देख सकते हो अभी हैं हम घर पे, और रात्रि के 8 बज चुके हैं। ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।